हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनु कौशिक स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनु कौशिक मेकअप आर्टिस्ट में। तो जी, ये हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है, तो इनको चाहिए था एक अच्छा सा हेयर डू, मतलब हेयर बन नहीं चाहिए था, क्योंकि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने मुझे एक पिक दिखाई, बोली ऐसा कुछ मुझे आप दे सकते हैं, तो देख लीजिए। उसके बाद आप ये भी देख लेना कि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा, मतलब क्या अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, ये अच्छा लगेगा आपके फेस पे। तो वैसे ही कुछ हेयर डू मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये मेरी हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इनके बालों में हमने पहले से क्रिम्प कर दी है, मतलब पूरे हेयर में नहीं किया, सभी मतलब आगे के फ्रंट फ्रंट क्राउन एरिया पे सिर्फ हमने क्रिम्पिंग की है, पीछे से नहीं किया है। और इनके बाल हाईलाइट है, तो ये हेयर स्टाइल इन पर बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने आगे से फ्रेंच में ही कुछ मतलब जैसे चोटी टाइप बनाया है और इनको टक कर दिया है, ठीक है जी। तो अभी जो मैं दिखा रही हूँ, ये छोटा सा पफ है, मतलब इतना ज़्यादा पफ को हमने उठाया नहीं है, और फ्रंट में फिर हमने छोड़ दिया ऐसे ही, कि इसका कुछ बाद में करते हैं, है ना। फिर दूसरी साइड के हमने सिंगल ही एक साइड से फ्रेंच स्टाइल बनाया है, ठीक है जी। ये आ जाते हैं, फिर हम मतलब आगे इनके सभी बालों को हमने कर्ल्स करना है। तो आगे के जो बाल हमने पहले क्रिम्प किए थे उनको स्ट्रेट किया, और इसके बाद फिर हम आ गए अपने दोबारा से फ्रंट साइड पे, और फिर हम इनको कर रहे हैं सभी बालों को रोल। तो जी, ये जो हेयर स्टाइल है ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, आप प्लीज़ एक बार घर में करके देखें। और जो पार्लर आना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे पास ही आ जाओ, ठीक है, और कहीं क्यों जा रहे हो, है ना। तो जी आगे बढ़ते हैं। तो सभी बालों को हमने रोल किया है, क्योंकि रोल करने के बाद ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है, दोबारा से पूछ रही हो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है ना, कि मेरा साथ बना, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखने के लिए, है ना। मेरे मतलब कुछ एक दो शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है, करते हैं आगे कंटिन्यू। तो जी, फिर हम लगे हैं इनके बालों में करने कर्ल्स, और देखिए ये है हाईलाइट, मतलब बाल जो हाईलाइट हो रखे हैं वो इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो इनको जाना था आज किसी फंक्शन में, तो इनको चाहिए था कुछ ऐसा हेयर स्टाइल। फंक्शन क्या था जी, आज है छठ पूजा, तो छठ पूजा के लिए ही इनको हेयर स्टाइल चाहिए था, तो वो हम कर रहे हैं। ये हमारी एक रेगुलर क्लाइंट है, तो क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट सुननी चाहिए ना, कि उनको क्या चाहिए। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो धीरे धीरे सभी बालों में, मतलब जितने भी इनके हेयर थे, कुछ क्रिम्प थे और कुछ ऐसे ही थे। एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जिनके बाल हल्के होते हैं ना, कि उन पर कर्ल्स करो तो फिर वो और ज़्यादा हल्के दिखते हैं। तो ये एक टिप लगा लीजिए जिनको नहीं पता, है ना, कि जिनके बाल हल्के उनके बालों पे है ना क्रिम्प कीजिए और फिर कर्ल्स कीजिए, बाउंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब फूले हुए दिखाई देते हैं, बाउंस बालों में क्रिम्प से लाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जी, ये हो गया हमारा प्रॉपर हेयर स्टाइल, है ना, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों।